युवक की हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। कानपुर थाना गुजैनी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर से फिल्म देखने निकले युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने शव देख घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों ने दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। बताते चले कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में स्थित मर्दनपुर इलाके का मामला है, जहां किराए के मकान में रहने वाला साहिल अपनी पत्नी मोहिनी अपने मासूम बच्चे के साथ किराए के मकान में रहता है। मृतक साहिल की पत्नी मोहिनी के मुताबिक कल पति अपने दोस्तों के साथ गदर फिल्म देखने के लिए घर से निकला था, मगर देर शाम तक जब वापस नहीं लौटा तो उन्होंने पति के मोबाइल पर फोन कर संपर्क करने का प्रयास किया, मगर साहिल का मोबाइल बंद बता रहा था। बुधवार सुबह परिजनों को पुलिस के द्वारा जानकारी मिली कि साहिल का शव बनपुरवा स्थित सड़क पर पड़ा हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार ने मृतक साहिल के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से मामले की शिकायत की। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची एडीसीपी दक्षिण अंकिता शर्मा ने बताया कि युवक का शव मिला है। पूरे मामले की जांच पुलिस और फॉरेंसिक टीम के द्वारा की जा रही है। परिवार वालों की तहरीर प्राप्त हुई है। कैमरामैन रितिक गोयल के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। आज करीब 8:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से थाना गुजैनी पे एक सूचना मिली कि गुजैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में तत्ता टोपे नगर है, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनकी जो है कुछ धारदार हथियार और हार्ट एम्बुलेंट ऑब्जेक्ट से मार के जो हत्या कर दी गई। उस सूचना पे थाना गुजैनी की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पर आई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जिनके द्वारा सूचना दी गई थी उनसे भी बातचीत की गई। उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है और इनके द्वारा दो भी तहरीर दी जाएगी। उसके तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत करके और इसमें जो है टीमें हमारी लगेगी और इसमें जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। घटनास्थल पर कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले? अभी घटनास्थल पर मैं हूँ और देख रहा हूँ कि घटनास्थल पर तो और आसपास के जो भी ये इनके द्वारा बताया गया कि ये जो है कहीं और भी गए हुए थे, उस घटनास्थल पर भी जाया जा रहा है। सभी तथ्यों को देखा जा रहा है और इसमें जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर हमारी फॉरेंसिक यूनिट की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, थाने की फोर्स भी मौजूद है। सभी को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा जो भी बातें बताई जाएंगी उसके आधार पर इसमें विधि कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। आज दिनांक 16 अगस्त को थाना गुजैनी क्षेत्र के अंतर्गत मर्दनपुर में एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कि पता चला है कि 26 वर्षीय व्यक्ति जिसका कि नाम साहिल है, उसकी डेड बॉडी मर्दनपुर में नई बस्ती में मिली थी। इसमें पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। मैम क्या लगता है, क्या नाम परिवारजनों का हत्या का आरोप है, इस पर क्या बोलना? अभी जितनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है परिवारजनों ने अभी तक किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। सभी पहलुओं पर गहनता से पुलिस जांच कर रही है और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।